अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नौशीन हुसैन और इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ एथेनियल रोमन में। और ये यहाँ पर एक क्लासिकल कॉन्सर्ट का बहुत बड़ा सिटी सेंटर पे स्ट्रक्चर मौजूद है। और बुनियादी तौर पर ये मुझे लगता है रोम में मौजूद पेंथियन जैसा, लेकिन ऐसा है नहीं असल में। ये पेंथियन, मतलब मैंने यहाँ पर अपने एक गाइड से पूछा था कि क्या ये पेंथियन के जैसा नहीं लग रहा, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, इसे बुनियादी तौर पर बनाया गया है ग्रीक आर्किटेक्चर के हवाले से। और ग्रीक एक टेम्पल है और वो मशहूर टेम्पल है, इसे उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ पर एक बहुत फेमस बात ये है, अच्छा वैसे तो यहाँ पर कॉन्सर्ट्स होते हैं, पब्लिक के लिए ओपन भी होते हैं, लेकिन इस वक्त शायद कोविड की वजह से नहीं है। अलबत्ता रोड के उस तरफ जो है रेडियो सेंटर है और वहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग होती है और लोग सुन सकते हैं। अलबत्ता पब्लिक प्रेजेंस इस वक्त फ़िलहाल इसकी अलाउड नहीं है। ये बहुत जायंट स्ट्रक्चर है और टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। यहाँ पर एक सेंटर में बहुत बड़ा स्टैच्यू है और ये पिक्चरस्क जगह है। साइड पर बहुत बड़ा पार्क भी है और लोग यहाँ पर आते भी हैं, और इसके नाम के साथ रोमन भी लगाया गया है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके हवाले से ये है कि जिस आर्किटेक्चर ने इसको बनाने का जिसे ज़िम्मा दिया गया था, उसने चार्ज किए थे, यानी उसने कहा था अपने इस आर्किटेक्ट को डिज़ाइन करने का, इस इमारत को डिज़ाइन करने के लिए उस वक्त तकरीबन 5 लाख ले उसने चार्ज किए थे। तो ले यह जो है रोमानिया की करेंसी है, और उस वक्त ले की करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इतनी स्ट्रांग थी कि एक ले तकरीबन 10 यूरो के बराबर था। आज करेंसी ये डीवैल्यू हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, इससे अंदाज़ा लगाएं कि आज पाँच ले एक यूरो के बराबर है। तो जब एक ले 10 यूरो के बराबर होगा, और उस वक्त जब किसी ने 5 लाख ले इस आर्किटेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए, इस आर्किटेक्ट ने मांगे थे इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए, तो आप इसे अंदाज़ा लगाएं कि कितनी हैवी उसने फ़ी मांगी थी। उसके बाद जाहिर है फिर हुआ ये कि फ़ी पर बहुत ज़्यादा बातचीत हुई, फिर तय ये हुआ, आर्किटेक्ट ने ही मशवरा दिया कि लोगों को इस इमारत के हवाले से पेट्रियोटिक बनाते हैं, यानी कि हम उन्हें कहते हैं कि ये लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए एक जगह होगी और शहर की शनाख्त बनेगी और शहर के बीचों बीच होगी और रोमानिया इसे पहचाना जाएगा, यूनिफाई होगा, यूनिफाइड एक यूनिटी आपकी शो होगी। इस तरह से फिर लोगों में मार्केटिंग की गई इस जगह के लिए, इवेंट्स के प्री टिकट सेल किए गए, और ये तमाम उसी आर्किटेक्ट के मशवरे पर किया गया, और ये हर बार तजुर्बा कामयाब रहा और तकरीबन 5 लाख ले जमा कर लिए गए प्री टिकट्स सेल करके इवेंट्स के। और बल्कि यहाँ तक भी है कि इस एथेनियल रोमन के हवाले से एक नज़म तैयार की गई और उस नज़म को इतना मशहूर किया गया कि बच्चे बच्चे की ज़बान पर है। आज भी आप रोमा में मौजूद, यानी रोमा नहीं सॉरी और रोमानिया की दारुल हुकूमत में बुकारेस्ट में मौजूद किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो उसने ये नज़म पढ़ी होगी और उसको ये याद भी होगी। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जिस जगह पर है, अगर आप यहाँ सेंटर में, सिटी सेंटर में आते हैं, तो आप आसपास बहुत सी ऐसी दूसरी इमारतें हैं जो तारीखी अहमियत की हामिल हैं और वो तमाम भी टूरिस्टिक प्लेसेस हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप आसपास उन तमाम चीज़ों को भी बआसानी देख सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप लोग रोमानिया और उसके दारुल हुकूमत बुकारेस्ट में आएँ, तो सिटी सेंटर में एथेनियल रोमन ज़रूर आएँ, और स्ट्रक्चर से आगे यहाँ भी जो है एक अच्छा सा पिक्चर का स्पॉट है। पीछे बहुत बड़ी इमारत है, बहुत खूबसूरत लगती है, और इससे न सिर्फ ये बल्कि 3 आर्किटेक्चर नुमाया होते हैं। एक तो यूरोपियन तमाम आर्किटेक्चर इसी तर्ज पर बनाए जाते हैं, लेकिन एक ये बिल्डिंग तो है ही। इसके अलावा दूसरी बिल्डिंग है पेंथियन, जिसके मुझे ये उसके जैसा लग रहा था रोम में मौजूद पेंथियन, और तीसरी बिल्डिंग है ग्रीक का टेम्पल जो मुझे गाइड ने बताया था। अच्छा एक अहम बात यह है कि यहाँ पर बल्कि यूरोप के तमाम ही शहरों में फ्री टूर्स हुआ करते हैं, और यहाँ पर भी फ्री टूर्स होते हैं जो इसी स्पॉट से स्टार्ट होते हैं, और वो सबसे पहले इस इमारत की तारीख बताते हैं, और फिर आते होते होते, क्योंकि मैंने आपको कहा
के यहाँ करीब ही में और भी बहुत सारी तारीखी इमारतें हैं। तो इससे आगे जाते जाते फिर वो दूसरी तमाम बिल्डिंगों की भी तारीख बयान कर रहे होते हैं। और ऐसा ही एक मैंने भी अटेंड किया है फ्री टूर, जिसका उन्वान था मोनार्की वर्सेस कम्युनिज्म, क्योंकि रोमानिया कम्युनिज्म में का भी शिकार रहा है, शिकार नहीं कहेंगे बल्कि रोमानिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी रही है, मोनार्की भी रही है। दो ये लोग ज़्यादा मोनार्की को सेलिब्रेट करते हैं, और उसका एक रीज़न ये है कि बादशाहों के दौर में इनकी हुकूमत काफ़ी भली भूली थी, कल्चर को बहुत बूम मिला था इनकी हुकूमत में, बादशाहों की हुकूमत में। उसके बाद जब कम्युनिज्म आया तो उसमें वो सूरत हाल नहीं रही थी, अलबत्ता कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में इकोनॉमी माजी की नस्बत बेहतर हुई थी। तो जो मैंने मोनार्की वर्सेस कम्युनिज्म अटेंड किया था वो भी बहुत उम्दा था, और आप आकर यूरोप के किसी भी शहर में इस तरह के फ्री टूर्स अटेंड कर सकते हैं। और लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये फ्री टूर्स बिल्कुल फ्री भी नहीं होते। आपसे उम्मीद की जाती है कि जब भी टूर ख़त्म होगा तो आप अपने गाइड को अपनी सहूलत के लिहाज से और सेटिस्फेक्शन के लिहाज से कुछ ना कुछ टिप डोनेट करेंगे, और वो इसलिए डोनेशन करेंगे या टिप देंगे, और वो इसलिए है कि ताकि वो मोटिवेटेड रहें इसी तरह से दूसरे इन्फॉर्मेटिव सेशंस को जारी और सारी रखने के लिए। अच्छा, ये फ्री टूर बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं, तो अगर आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत टिप देकर ऐसे टूर अटेंड कर लें तो आई वुड से कि गूगल करने से या विकिपीडिया पढ़ने से कहीं ज़्यादा अच्छी वो नॉलेज है जो आपको एक लोकल दे सकता है, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। एथेनियल रोमन से मुझे दीजिए इजाज़त, इसके बाद अगले व्लॉग में मिलते हैं यहीं की कहीं करीब की इमारतों की तारीख बताते हुए रोमानिया बुकारेस्ट से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।